क्या कहा रमा ने? रमा ने क्या कहा वो छोड़िए, भीमराव अपने गुरुजी के यहाँ से खाना मांग कर लाया है। जिस भूख का असर रमा के दिमाग पर सुबह से हो रहा था, अब वो भी खत्म। आज तारीख क्या है? महीने की पहली तारीख है। क्या हुआ? राम जी, तुम्हारी पिछले महीने की तनख्वाह। धन्यवाद सेठ जी। पुरंजन, यहाँ आओ। तुम्हारी दो दिन की तनख्वाह। सेठ जी, दो दिन के क्या पैसे? अगले महीने से दीजिएगा। काम काम होता है, इसमें व्यावसायिकता होनी चाहिए। दो दिन काम किया है तो उसके पैसे ले लो। चोपड़ा ले लो। राम जी, शहर तो बहुत अच्छी जगह है। एक सतारा था जहाँ लोग काम करा के पैसे के बदले गालियां देते थे, और एक ये शहर है। देखो, दो दिन के भी पैसे मिल रहे हैं। कमाल की जगह है राम जी। शहर में काम की इज्जत होती है और तरक्की भी, इसलिए लोग गांव से शहर में काम करने के लिए आते हैं। ये तो है राम जी। राम जी, ये पैसे तुम रख लो, हमारे घर के खर्चे तो बढ़ गए हैं ना। और ये भी पता है कि ये पैसे ना के बराबर है, लेकिन इतने पैसे में दो दिन का दूध तो आ ही जाएगा ना। नहीं पुरंजन, मैं पैसे नहीं ले सकता, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। राम जी, तुम दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं जो तुम बोलोगे वही होगा। चुपचाप से पैसे रखो। मेरी बात तो सुनो। नहीं पुरंजन, मेरी रखो, पैसे रखो, अब इसके आगे कुछ भी मत बोलना। ठीक है, ये तुम्हारे पैसे और कुछ मेरे पैसे मिलाकर भीम को देते हैं, उसके कुछ काम आ जाएंगे। हाँ, दे देना। बिरजू, मेरी चप्पल सी देना। हाँ डलिया, पैसे बाद में दे दूंगी। ब्रिज भाव, पगार मिल गई। और भाव, आज महंगे वाले पान खाए होगे। क्यों, आज पगार जो मिली है? हा? अपना काम करो ना। क्या बदतमीजी है ये? मेरा काम है, यही काम करता हूँ मैं। तू यही करते रहना। सब लोग एक तारीख को पैसा कमा के लाते हैं और तुम लाल पीले बन के आओ। अम्मा, ये देखो, हम भी कमा कर लाए हैं। वो लोग महीने भर कुछ कुछ काम करके लाते हैं तो ठीक, और मैं रोज कला दिखा कर लाता हूँ तो गलत। मुझे कोई समझता ही नहीं है। मैं समझता हूँ। राम जी भाई, राम राम। राम राम। और धीरे धीरे आज नहीं तो कल बाकी लोग भी समझ जाएंगे। ओ रामजी बाबू, जल्दी से आ जाओ, आज पहली तारीख है। और हर बार की तरह आज रात के खाना तो साथ ही बनाएंगे और गाना बजाना भी करेंगे। जरूर जरूर, अभी आता हूँ। लीजिए। आज तनख्वाह हुई होगी आपकी, दे दीजिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? आज से घर खर्चा मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी। इसलिए रामा के भाई बहन आए हैं? जी नहीं, इसलिए कि उनके साथ साथ आपका दोस्त पुरंजन भी आया है और वो तीनों ही बोझ बने पड़े हैं। जीजा भाई, बाकियों को छोड़ दो, बस इतना ख्याल रखो कि अपनी पति की शांति किस चीज में है।
वो क्या चाहता है और पत्नी क्या चाहती है इसकी चिंता की है कभी आपने? 5 बनकर उम्र बीत गई मेरी, लेकिन ना तो इस पर कभी लड़ी हूं और ना ही लड़ूंगी। जैसे बाकी की औरतें अपना घर खर्चा चलाती हैं, मैं भी चलाना चाहती हूं, दे दीजिए। बेटा। हाँ बाबा। इधर आओ। ये तुम्हारे ट्राम के महीने के पास कितने में आता है? 1 आने में। उसे 1 आना दे दो। और इस महीने कॉपी किताब कुछ खरीदने हैं? अभी तो खरीदी थी। मैंने पूछा तुमसे। हाँ बेटा बोलो। नहीं बाबा, इस महीने कुछ खरीदना नहीं है। इसे 1 आना और दे दो। इसके महीने की जेब खर्च दे दो। 1 आना नहीं मिलेगा, आधा आना मिलेगा। जो कमा नहीं सकता वो खर्चे में कटौती तो कर ही सकता है। मेरे लिए एक चाय बनाओ। और हाँ, तुम्हें मेरे सामने पुरंजन को जो बोलना है बोल लो, लेकिन उसके सामने मत बोलना। और ये बात मैं तुमको समझा नहीं रहा हूं, बल्कि एक पति होने के नाते अपनी पत्नी को चेतावनी दे रहा। देखिए, ये 1.5 आना भी आप ही रख लीजिए, लेकिन रमा को और उसके भाई बहन को खाना दे दिया कीजिएगा। और मेरे हिसाब से उसके लिए 1.5 आना काफी होगा। इतने सालों से पहचानती हूं आपको रामजी, अपने बेटे के लिए आप कब क्या सोचते हैं सब पता है मुझे। ये अलग से देते ना आप भीम को, अब देखती हूँ कैसे देंगे आप। पैसे दे दिए, ट्रैम के भी और जेब खर्च के भी, ये दोनों तो जरूरी है ना। तो क्या हुआ रमा, कॉलेज पैदल चला जाऊंगा? हाँ, 8-10 मील चलूंगा तो पैर दर्द करेंगे, थकूंगा, ये बात सही है, लेकिन फिर मुझे तुम्हें सुमू और छोटी को भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा ना। वैसे भी उस जेब खर्च का क्या करूंगा, जाति के नाम पर कॉलेज कैंटीन में खाना कहाँ मिलता है हमें। और फिर घर से भरपेट खाना खा के जाऊंगा तो कॉलेज में भूख भी नहीं लगेगी। एक दिन की बात नहीं है, आपको रोज इतना चलना होगा, आप रोज थक जाएंगे। हाँ, थकूंगा तो तंदुरुस्त भी हो जाऊंगा, फिर तुम्हारा ही पति सुंदर दिखेगा, तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए ना।
अब बात मत बदलिए, अब समझ नहीं रहे हैं। समझ रहा हूँ रमा, सब समझता, और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, गरीब लोगों के पैर में दर्द होते हैं, छाले पड़ते हैं, तभी उनके पेट भरा करते हैं ना। तो तू अपने बाबा का फैसला नहीं मानेगा? आपने ही कहा था ना कि इस घर में आपकी भी पत्नी रहती है और उसका ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। मैंने भी बस यही किया है बाबा। ये आधी रोटी मेरी और आधी तुम्हारी, ये डेढ़ आना भी आप ही रख लीजिए, लेकिन रमा को और उसके भाई बहन को खाना दे दिया कीजिएगा। सुंदर है ए हो, आओ ना ए डलिया अम्मा, आओ ना। रमा का देख रही हो, आओ ना चूड़ी पहन लो, आओ। हाँ रमा जाओ चूड़ी खरीद लो, और फिर जब चूड़ी वाला पैसे मांगेगा तो भीम से कह देना किसी चाल वाले से या किसी गुरुजी से मांग कर लाए, जैसे खाना मिल गया था वैसे चूड़ी के लिए उधारी भी मिल जाएगी। ऐसे ही जीवन भर मांग मांग कर अपने शौक पूरे करती रहना। लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, जिसका पति भीम जैसा हो वो और उम्मीद ही क्या कर सकती है। आई आई चलिए ना चूड़ी खरीदते हैं। तुम्हारा पति पैसे कमाता है, तुम तो चूड़ी खरीदोगी। चल मेरे पास है। पति ख्याल रखे, इससे बढ़कर कोई चूड़ी बिंदी कोई गहने नहीं होते। ऐसा नहीं है रमा, पति सिर्फ ख्याल नहीं रखता है बल्कि चूड़ियां भी देता है। हाँ ये बात है कि ये चूड़ियां उन कांच की चूड़ियों जैसी चमकीली नहीं है और तुम्हारे हाथों में ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी, लेकिन ये चूड़ियां हमेशा तुमको महसूस कराती रहेगी कि तुम्हारा पति हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता है। प्रेम का हम पर बरसाई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। कैसी लगी? अच्छी है।
चूड़िया भले ही कुछ देर बाद में गिर जाएंगी, लेकिन एहसास थोड़ी देर नहीं, जीवन भर रहेगा। पति का प्यार मेरे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। आनंद को भी आज तोहफा मिली होगी, वो अपने पापा को दे दे, इससे पहले मैं मांग लेती हूँ। अरे आई चूड़ी तो ले लीजिए, तुम्हें जो पसंद आए मेरे लिए भी ले लेना। आनंद, आज तनख्वाह हुई होगी ना तुम्हारी? हाँ। दे दो। देख क्या रहे हो, तुम्हारे बाबा से बात हो गई है मेरी, आज से घर का खर्चा मैं चलाऊंगी, पैसे दे दो। पर आई, आज तक तो बाबा घर चलाते आए, तो आज अचानक से? तुम्हारे बाबा ने दे दिए है, तुम दोगे या नहीं? दे दीजिए ना आई को। आई, घर वैसे आप चलाओ या बाबा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चलाएंगी तो एक डर लगा रहेगा कि भीम और रमा के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। कुछ ज्यादती नहीं करिएगा तो हर महीने की तनख्वाह मैं आपको दे दिया करूंगा। भीम और रमा के साथ कुछ गलत ना हो, हर किसी को उस भीम की ही पड़ी है, अपनी पत्नी की चिंता तो है ही नहीं उसे। मेरे कुर्ते में कुछ पैसे थे, वो कहाँ गए? मैंने ले लिए। उसमें से कुछ पैसे पुरंजन के भी थे? हाँ, तो पुरंजन भी अब इस घर में रहता है, उसका भी तो खर्चा है। अब इस घर की पाई पाई का हिसाब मैं रखूंगी। आप अब इसी बात का मातम मनाते रहेंगे या रात को जश्न है उसकी तैयारी करेंगे? चलो लक्ष्मी। रात को क्यों आ गए? अरे सब लोग, तुम जितने छोटी जाति के लोग यहाँ रहते हो, जिनके छुरे से धर्म कर्म का नाश होता है, उन्हें सुबह तक ये चौल खाली करनी होगी।